महाराष्ट्र पूर्वतन मंत्री तथा एनसीपी नेता बाबा सिद्दीक को गुली करी हत्या। मुंबई किसी दुर्वृत्त गुली करी हत्या करी गुलीमाड़ पर तुरंत लीलावती हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायतिला, किंतु चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर मृत्यु होईछि। गोटे गुली तांकर पेटरे ओ आउ गोटे गुली तांकर छाती रे माड़ होईछि। गुलीमाड़ घटना रे पुलिस तीन जनों को अटक रखी तदंत आरंभ करिछि। बांद्रा पश्चिम रु तीन थर विधायक थिबा सिद्दीक 48 वर्ष धरी कांग्रेस सह जड़ित थिले एवं फेब्रुआरी रे दल छाड़ी अजित पवार एनसीपी रे जोग देथिले। अगस्त रे जिसान सिद्दीक को कांग्रेस रु बहिष्कार करा जायतिला। बाबा सिद्दीक को हत्या घटना को सबु दल पक्षरु निंदा करा जायछि। बहु राजनेता तथा बॉलीवुड कलाकार बाबा सिद्दीक को परिवार को भेटी समवेदना जणाइछन्ति। बाबा सिद्दीक को मृत्यु खबर पाइबा परे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान मध्य लीलावती डाक्तरखाना रे पहुंची थिले। बाबा सिद्दीकी पर जो फायरिंग हुआ है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और अभी मैं अस्पताल में जाकर आया हूं। डॉक्टर उनका काम कर रहे हैं, उनके फैमिली को मिलकर मैं आया हूं, और इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए। इसी तरह हमारी मांग है, इसके पीछे को कोई भोगे उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है, और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। हमारे दोस्त विधायक, पूर्व विधायक बाबा सिद्दीक जी का देहांत हो गया है, ये खबर आज मिली है। उन पर आज शाम को जब दफ्तर से निकले तो उन पर कुछ शूटर्स ने 3 गोलियां चलाई और उसके कुछ वक्त के बाद में उनका निधन हो गया है। हम सबके लिए बहुत ही दर्द भरी खबर है, बहुत ही हम दुखी हैं कि हमारे साथी जो हम लोग साथ में रह चुके, कांग्रेस में हम लोग दोनों साथी थे, वो MLA थे, हमारे साथ में मंत्री भी रहे। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।